हेलो एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बात करते हैं, अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो आपको करना क्या होगा। तो आप अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो आप करते क्या, सिंपली आपने एक FIR लिखवा दी और आप आराम से घर पे बैठ जाते हैं। FIR लिखवाना ही काफी नहीं होता। अगर आप FIR लिखवा देते हो, वो जो बंदा आपका फोन चोरी लेके गया है, चोरी हो गया या खो गया कहीं पे भी, तो वो बंदा यूज कर सकता है आराम से फोन। तो आपको करना क्या होगा, हमें खाली फोन का FIR ही नहीं लिखवाना है, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे कि वो फोन यूज नहीं कर पाए, उसका फोन यूज लेस हो जाए। तो सिंपली इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या होगा जिससे कि वो जिसने फोन आपका चोरी किया वो फोन नहीं चला पाएगा, उसका फोन ब्लॉक हो जाएगा घर बैठे। तो आपको करना क्या होगा, आइए चलते हैं वीडियो में। फोन चोरी होने के बाद हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि खाली FIR कराई छोड़ दिया। FIR कराना ही काफी नहीं होता, हमें अपने फोन को ब्लॉक करना है। ब्लॉक कैसे करना है, अगर आपने फोन को ब्लॉक कर दिया तो आपका जो फोन जो भी चलाएगा तो उसमें कुछ यूज नहीं कर पाएगा, आपका फोन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, ना उसमें कोई सिम चलने वाली है ना ऑन होने वाला है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली मेरी वीडियो को पूरा देखना है, आपको क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद उसमें एक वेबसाइट है, उस पर पहुंच जा रहा है, मैं वेबसाइट का नाम बता दूंगा आपको। सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं इतने सारे ऑप्शन। अब हमें सिंपली करना क्या था, ब्लॉक स्टॉलन एंड लॉस्ट फोन। तो हमें सिंपली ब्लॉक पे क्लिक करना है। जैसे आप ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद आप इस तरह से आ जाते हैं, गुम चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए अनुरोध करें। तो यहाँ पे हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा हमें डाल देनी है, जिससे कि आपका जो चोरी फोन हो गया या कहीं गुम हो गया वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, यूज नहीं कर पाए कोई बंदा। तो सिंपली हमें अपना जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल देना जो उस फोन में पड़ा हुआ था। उसके बाद सेकंड, अगर फोन नंबर है तो डाल देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, IMEI नंबर हमें डाल देना है। हमारे फोन के जो IMEI नंबर है वो हमारी जो फोन लेते हैं तो हमें स्लिप मिलती है, उससे मिल जाते हैं, तो दोनों नंबर हमें डाल देना है। आपका किस कंपनी का फोन है वो डाल देना है यहाँ पे। सिंपली आप जो भी फोन, आप जिस कंपनी का फोन हो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आप डिवाइस मॉडल, यहाँ मॉडल डाल देना अपने फोन का कौन सा मॉडल है। अब अपलोड इनवॉइस, जब आप लेते हैं तो आपको एक स्लिप मिलती है जिसपे बिल बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको बिल अपलोड कर देना है। बिल अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे लॉस्ट प्लेस, आपका किस जगह पे फोन खोया है वो लिख देना है, लॉस्ट डेट लिख देना है, किस तारीख को खोया था, टाइम लिख देना, और नीचे आ जाना है आपको स्टेट लिख देना है, आपको किस स्टेट से हैं आप, तो आप जो भी स्टेट है वो डाल देना। उसके बाद आपको नीचे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको स्टेशन, पुलिस स्टेशन कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, और आपको नीचे आ जाना है। आपने जो FIR किए है उसका कंप्लेंट नंबर मिलता है हमें, तो यहाँ पे कंप्लेंट नंबर डाल देना है और उसकी फोटो हमें अपलोड कर देनी है जो हमने FIR की है, ठीक है। उसके बाद में और नीचे आ जाना है, हमें ऑनर में अपना नाम लिखना है, यहाँ पे सिंपली नाम लिखने के बाद एड्रेस लिखना है, आइडेंटिटी यहाँ से आइडेंटिफाई किस, आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके उसे अपलोड कर देना है, ठीक है। आइडेंटिफाई नंबर डाल देना है और नीचे आ जाना है ईमेल आईडी, आपका जो ईमेल है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक कैप्चर कोड करने को मिल जाता है, यहाँ पे हमें कैप्चर कोड करके और अपना मोबाइल नंबर जिसपे हमें OTP लेना है वो OTP डाल देना है और गेट OTP कर देना है। उसके बाद आपका जो फोन है कुछ टाइम में ब्लॉक हो जाएगा और यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन अब दिक्कत आती है, अगर आपका फोन खो गया है उसके बाद मिल जाता है, ये चोरी हुआ फोन मिल जाता है, तो आपका फोन तो ब्लॉक हो गया, तो आप उसे अनलॉक कैसे करेंगे। अनलॉक करने का भी तरीका मिल जाता है, यहाँ पे मिलता है अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, अगर आपका फोन मिल गया है तो उसके बाद उसे अनलॉक भी कर सकते हैं। तो आपको ब्लॉक करते हैं तो यहाँ पे एक आईडी मिलती है, रिक्वेस्ट आईडी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और सिलेक्ट रीजन डालना है। तो आपका फोन रिकवर्ड बाय पुलिस, फाउंड बाय सेल्फ, यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको जो कैप्चर कोड दिया है वो डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जिसपे आपने OTP लिया था, उसे गेट OTP करके सबमिट कर देना है, तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। अगर आपको फोन चेक करना है कि ब्लॉक हुआ है नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो आपको एक एंटर रिक्वेस्ट आईडी मिल जाती है। जब आप ब्लॉक फोन करते हैं तो आपको एक आईडी मिलती है, वहाँ पे ये आईडी डालना है, यहाँ पे कैप्चर इमेज करना है, यहाँ से सबमिट कर देना है, तो यहाँ पे आपको स्टेटस पता लग जाएगा फोन ब्लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए। तो वेबसाइट का नाम आपको बता देता हूँ, वेबसाइट का आपको कौन सी, सिंपली आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे गूगल पे जाने के बाद आपको डालना है CEIR पोर्टल,
तो ये वेबसाइट आप नाम डालेंगे तो आप इस पे पहुंच जाएंगे आराम से, और यहाँ पे इजीली अपना फोन ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।